नक्सलियों और दंगाइयों की कमर तोड़ने के लिए अब पुलिस और पीएससी की महिला रंगरूट स्पेशल जंगल ट्रेनिंग में अपने हाथ आजमा रही है। इन्हें कमांडो की तरह वास्तविक जंगल में ले जाकर नक्सलवाद से लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। दरअसल मुरादाबाद में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है और हमेशा पुलिस कर्मियों की विभिन्न तरह की ट्रेनिंग चलती रहती है, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है वो इसके विपरीत है। पुलिस कर्मी ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, लेकिन वो पुरुष नहीं बल्कि वो 200 महिला रंगरूटों की एक बड़ी टोली है, जिसमें इनके कमांडेंट द्वारा इन्हें वास्तविक जंगल में ले जाकर नक्सलवादियों द्वारा लगाए जाने वाले बमों से निपटने और आम लोगों के बीच नक्सलियों की पहचान करने जैसे हुनर सिखाए जा रहे हैं। देखने में एक बार ऐसा लगता है मानो किसी पुलिस पार्टी पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया है और पुलिस पार्टी ने इन्हें बंधक बनाकर इनके हथियारों सहित पकड़ लिया है, क्योंकि सब है इतना वास्तविक। इनके ट्रेनिंग कमांडेंट अशोक कुमार ने बताया कि ये इनकी ट्रेनिंग का विशेष हिस्सा है, इसमें पूरी ट्रेनिंग जंगल में ही होती है और ट्रेनिंग का बहुत सारा भाग हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हम आपको एक आभास दे सकते हैं कि हमारी जो बदली हुई परिस्थितियाँ हैं, बदली हुई चुनौतियाँ हैं, पहले जो पुलिस हमारी हुआ करती थी वो क्राइम कंट्रोल हो गया, न्यायालय के कार्यों में सहयोग हो गया और जो घरेलू हो गई, हिंसा हो गई, इन सब चीज़ों में करते थे। हमारा एरिया इतना वास्ट नहीं था, लेकिन बदले समय के साथ नक्सली मुठभेड़ है, आतंकवादियों से मुठभेड़ है और प्राकृतिक आपदाओं में हमारा सहयोग है, तरह तरह की चीज़ें आ गई हैं। तो शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, 200 बच्चियाँ कर रही हैं ट्रेनिंग यहाँ पे, इनका जंगल ट्रेनिंग चल रहा है यहाँ पे और हमने जंगल को जंगल की तरह ट्रेनिंग कराया है। तो नक्सली हमला होगा तो कैसे बचेंगे? हमारा ट्रूप का अगर जो है आवागमन हो रहा है तो क्या प्रिकॉशन लेंगे? क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ इस बात की है कि हमारे हम लोग थे वहाँ सोनभद्र में थे तो चंदौली में चंद्रप्रभा घाटी में एक बार IED लगा दिया था नक्सलियों ने और 15 जवान हमारे शहीद हुए थे। पूरा ट्रक उड़ा दिया उन्होंने, पुल के नीचे डाल, पुलिया के नीचे डाल दिया था। तो हमने देखा है उस मंजर को, अपनी आंखों से देखा है और भगवान न करे कभी वो मंजर दोबारा देखने को मिले, आत्मा हिल जाती है। तो उसका इलाज परमानेंट तो कोई नहीं है, हमारी तैयारी जो है उसका बचाव है, इलाज है। तो हम उस लिहाज से इनको तैयार कर रहे हैं कि कभी अगर मुठभेड़ हो तो ये सिखलाए गए तरीके से प्रोफेशनली बिल्कुल स्किल्ड और चालाक जो प्रूडेंट होता है हमारा सिपाही उस तरीके से बिहेव करें और कैजुअलनेस न रहे। हमने इसीलिए पूरा डेमो दिखाया इनको कि देखो कैसे कैजुअली तुम लोग गलती करते हो, कैसे प्रूडेंटली तुम लोग बिहेव करते हो। तो इनको पकड़ना, काबू में करना, गोली मारना, जिंदा मुर्दा पकड़ना, असरा इकट्ठा करना, इनके संकेतों को समझना, चलते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का बहुत डिटेल्ड मौके पर बहुत रिगरस इनकी ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं। क्योंकि मेरी अपनी एक चाहत है जब यहाँ से निकलें पूरा तप के, पूरा खड़े सोने की तरह निकलें और कोई इनका जो है इनकी